समाज के महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए एपी फ्रेंड्स क्लब। बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत द्वारा फांसी लगाने की घटना से पूरा देश हैरान है। आखिर सुशांत जैसे बेहतरीन और सफल कलाकार ने ये कदम क्यों उठाया है, ये सवाल पूरा देश पूछ रहा है। सुशांत ने काफी कम समय में कड़ी मेहनत से सफल मुकाम हासिल किया था। सुशांत के निधन से पूरा देश रो रहा है। इस बीच उनके पैतृक घर पूर्णिया से बड़ी खबर आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत के मौत के सदमे में उनकी चचेरी भाभी सुधा देवी ने सोमवार को पूर्णिया जिले के मालडीहा में दम तोड़ दिया। वहीं अररिया जिले के सुप्रसिद्ध कलाकार एवं फारबिसगंज कॉलेज के प्रोफेसर राजेश कुमार ने सुशांत सिंह राजपूत की पेंटिंग बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। बॉलीवुड के नायक सुशांत सिंह राजपूत को बारिश के बीच सोमवार को शाम करीब 5 बजे नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। मुंबई के बिले पार्ले स्थित सेवा समाज शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। 34 वर्षीय अभिनेता ने रविवार को बांद्रा स्थित अपने घर में फांसी लगा ली थी। उनके आत्महत्या पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं पेंटिंग बनाकर श्रद्धांजलि देते हुए अररिया के सुप्रसिद्ध कलाकार प्रोफेसर राजेश कुमार ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत बहुत ही प्रतिभावान कलाकार थे। उनका इस प्रकार खुदकुशी करना देश के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत महज 34 साल की उम्र में ही बड़े मुकाम को हासिल कर दिखलाया था। सुशांत का इस प्रकार दुनिया से चले जाना कोसी ही नहीं अपितु बिहार एवं देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। समाज के महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए एपी फ्रेंड्स क्लब।